हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारी मैथ्स क्लास का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात और प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे फॉर्मूले करवा दिए हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फॉर्मूले की क्लासेस नहीं देखी हैं दोस्तों, वो ज़रूर देखें। आपको बहुत अच्छी तरीके से, बेसिक तरीके से ये चैप्टर करने में आसानी होगी। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी आपको अपने मोबाइल तक चाहिए तो यूट्यूब चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप यूट्यूब पर शिप्रा तिरे भी डालेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने ये लोगो आ जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। जितने भी वैकेंसीज और वीडियोज़ की जानकारी है सीधे आपके मोबाइल पर मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दोस्तों। और जिनको आता है फ्रेंड्स, उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप लगातार लाइन वाइज देखते रहिए। जिसने भी हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं फ्रेंड्स, रेशियो प्रोपोर्शन की लिंक जो है वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप रेशियो प्रोपोर्शन की फर्स्ट क्लास पर पहुँच जाएंगे। ये हमारी सेकेंड क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का अनुपात क्या है। अनुपात अर्थात दोस्तों रेशियो है ना, बस आपसे रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है। बताइए दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, तो मैं आप लोगों को समझाते जाता हूं, देखते जाइए। सबसे पहले तो हमें क्वांटिटी जो होती है ना, जो क्वांटिटी दी होती है उन्हें सेम करना होता है। ये सेंटीमीटर में दी है और ये मीटर में दी है। अब हमको इस मीटर को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब एक मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करें है ना, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक की जगह पर क्या हो जाएगा, 100 मीटर की जगह पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर से सेंटीमीटर में, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपका ए क्या हो गया 25 और बी क्या हो गया 100, क्योंकि हमने इसको दोनों को क्या कर लिया, एक जैसा कर लिया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। ये तो 25 सेंटीमीटर में ही है, एक को मीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज करना है फ्रेंड्स। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास ये आ गया ए 25, बी आ गया 100। अगर आपको इसको कैंसिल करते आता है 25 का टेबल डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। 25 फोर 100 यानी कि 1:4 ये हो गया आपका अनुपात, जो यहाँ पे दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का अनुपात क्या हो गया दोस्तों, 1:4, ठीक है दोस्तों। हाँ, किसी को भी कोई भी डाउट कि ये कैसे हुआ दोस्तों, बस आपको ये चेंज करते आना चाहिए कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे करते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को आना ज़रूरी है। चलिए, मैंने सारे फॉर्मूले वैसे कल करवा दिए हैं जो कि आप लोग सामने क्वेश्चन देख रहे हो। ये अगर आपने मेरी कल की क्लास अटेंड करी है तो बहुत जल्दी कर पाओगे ये क्वेश्चन आप। अब आपसे बोला गया है कि भैया 4/5, क्योंकि 4:5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैंने कल की क्लास में बताया था। और ये समानुपात को आप यानी कि प्रोपोर्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, और ये हो जाएगा 8/x, ठीक है। x को इधर ले आओ, 4/5 को उठा के इज इक्वल टू किधर ले आओ, तो x इधर आ जाएगा, 8 यहीं रह जाएगा। जब भी संख्या इज इक्वल टू को उधर जाती है तो पलट जाती है, 5/4 हो जाएगी, 4 1 4 2 8, 5 2 10, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 10, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। अब जिस बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि ये मैं कैसे करूँ, मेरे को तो समझ नहीं आया कि ये क्या कर दिया आपने सर, है ना, तो उनके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, ये आपको क्या करना है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 वैल्यू होती हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो आपको क्या निकालना है, डी। ये मैंने कल फॉर्मूले में सिखाया भी है आप लोगों को, ठीक है। डी अपॉन में आ जाएगा ए और आपका आ जाएगा बी इंटू सी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डी वाली वैल्यू निकालने का, डायरेक्ट फॉर्मूला। बी इंटू सी क्या होते हैं,
बी इंटू सी है 5 इंटू 8 अपॉन ए क्या है 4 है, तो यही तो मैंने भी किया था। बात मेरी समझ में आई दोस्तों? आप सीधे भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। 4 1 4 2 5 2 10 आंसर आ गया आपका 10, ठीक है दोस्तों। ये मैंने फॉर्मूले से भी करके आपको बता दिया और डायरेक्ट भी करके बता दिया है, ताकि आप लोगों को दोनों तरीके से जैसे समझ में ईजी पड़ता है वैसे करें, ठीक है। अगला सवाल, धीरे धीरे क्वेश्चन भी टफ होते जाएंगे दोस्तों। 8 और 2 संख्या हैं, तो इसका प्रथम समानुपाती ज्ञात करें। आपको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स? फर्स्ट नंबर। आपके पास बी और सी की वैल्यू दी है, आपसे बोला है ए निकालिए। ये भी मैंने सिखाया फ्रेंड्स, बताइए कैसे करेंगे? फटाफट बताइए दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत आसान है, फटाफट बताइए। 20 सेकंड का समय है दोस्तों, 20 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा टफ वाली बात है नहीं। इसका फॉर्मूला ये होता है, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी, बस इतना ही। बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 और सी मतलब 2, है ना। बी और सी मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, बी और सी क्या है, तो 8 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब क्या, 8 का स्क्वायर यानी 64 और अपॉन में है 2। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, यानी ए की वैल्यू आ गई आपकी 32, ए की वैल्यू क्या है 32, बस बात खत्म दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पहले वाली क्लास देखी तो ये वाले क्वेश्चन के आंसर तो आप धड़ाधड़ दे रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि भैया 2/b इज इक्वल्स टू b/8, आपको तो निकालना है ये b, ये मैंने लिख भी दिया कि कैसे करना है, ठीक है। अब आप करो, ठीक है, मैंने मिटा दिया है ताकि आप लोग चीटिंग ना करो। चलिए बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा, 20 सेकंड का समय है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए दो तरीके से करके बताता हूँ इसको दो तरीके से करके बताता हूँ। जैसे कि 2/b इज इक्वल्स टू b/8, ये ऐसे लिखेंगे ना इस क्वेश्चन को, b/8, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो b इधर है इसको उधर ले जाएंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और 8 को ऊपर लेके जाएंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 2 16, है ना। सबको मालूम है कि अगर स्क्वायर हटके इज इक्वल टू को उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, यानी कि बी के ऊपर से स्क्वायर हटा तो 16 के ऊपर रूट लग जाता है। अब आप ये बता दो कि 16 किसका स्क्वायर होता है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू है 4, 16 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो था एक तरीका, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि बच्चे नहीं करना चाहते फॉर्मूले से, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। सीधा सीधा सिंपल है, जब आपको निकालना हो b तो अंडर रूट में a इंटू सी, बस। तो ये b निकालना है तो अंडर रूट में a इंटू सी मतलब 2 × 8, 8 2 16 करते वैसे ही हैं, बस फॉर्मूले की मदद ले लो तो जल्दी आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 4, बस बात खत्म, आपका आंसर आ गया 4, ठीक है दोस्तों। उससे भी आंसर 4 आएगा, इससे भी आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे तरीके अच्छे लग रहे होंगे। चलिए दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, 4, 5 और 2 का चतुर्थ, यानी कि फ्रेंड्स ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, आपसे चतुर्थ यानी डी वाला पूछा है। ये मैंने निकालना सिखाया है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कैसे निकालते हैं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट बता दीजिए। चलिए देख लें, चलिए पहले तो सबसे पहली बात, मैंने आप लोगों को बताया था कि d इज इक्वल्स टू b इंटू सी अपॉन a, यानी कि 5 × 2/4, 2 1 2 2 और 5 को 2 से काटेंगे तो काटो ही मत, 5/2 ही लिखे रहने दो बस, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, और अगर इसको और रखोगे तो 2.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन उस तरीके से करके देखते हैं जिस तरीके से हमने करा था कि 5/2 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4/5 इज इक्वल्स टू 2/2,
डी है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी को उधर ले जाएंगे, इजिकल्स टू में जो टू है यहाँ पर रहेगा। अब ये फोर बाय फाइव को जब इजिकल टू के इधर लाएंगे तो संख्या पलट जाती है, अभी मैंने बताया था, तो फाइव बाय फोर हो जाएगा, तो टू वन जा टू टू जा ये आ गया फाइव बाय टू, आपका आंसर डी। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों तरीके बता दिए दोस्तों, फॉर्मूला भी बता दिया और ये भी बता दिया, और कितना आसान तरीका है इसको फाइंड करने का। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन एक के बाद एक समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी की आय का अनुपात यानी कि इनकम का रेशियो 2:3 तथा बी और सी की आय का अनुपात 4:5 है, तो और ए और सी की आय का अनुपात क्या होगा तथा ए बी सी की आय का अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है। बताइए दोस्तों, दो दो चीज पूछ ली है यहाँ पर, बताइए क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय है दोस्तों, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों बताइए क्या आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं। तो ए और बी का अनुपात है 2:3 है ना, ए इज टू बी है ना। अभी आपको दिखाता हूं एक जादू, बिल्कुल सही। बी और सी का अनुपात दिया हुआ है आपके सामने 4:5 है ना, यही दिया है ना, है ना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि ए और सी का अनुपात बताइए, यानी ए टू सी का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 4:8 अनुपात के नीचे अनुपात, 5:3 15 ये आ गया आपका ए टू सी का अनुपात 8:15। कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कितना मजेदार तरीके से करवा दिया है। मैं फिर से करके बताता हूं, ए टू बी का अनुपात क्या था, 2:3 राइट। बी और सी का अनुपात क्या था, 4:5 यही था ना। आपसे पूछा था ए टू सी यानी कि इन दोनों का, बी का छोड़ के जो एक जैसे आ रहे उनको छोड़ के, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना था, ध्यान से देखो, 4:2 8 और 5:3 15 ये आ गया आपका अनुपात, कोई सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, काम खत्म, 8:15। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछा था कि ए और सी की आय यानी इनकम कितनी है, उनका रेशियो कितना, ये नहीं पूछा था, ये भी पूछा था कि ए बी सी का अनुपात कितना होगा, ये भी बताना है। तो ये वाला आपका आंसर आ गया फर्स्ट वाला, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि सेकंड वाला आंसर कैसे निकालते हैं। तो इसको लिखना है आपको कुछ इस तरीके से, ए अनुपात बी, फिर बी के नीचे से लिखना है बी का ही, बी इज टू सी, बात समझ में आई दोस्तों, है ना। यहाँ बी की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ बी की वैल्यू क्या है अगले बार वाले में दोस्तों, बी और सी वाले में 4, ठीक है। तो 3 के नीचे से मैंने 4 लिख के स्टार्ट किया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, 2:4 8 ठीक है। अभी बीच वाला छोड़ दो, अभी टेढ़े टेढ़े वाले, ठीक है, 2:4 8 और 3:5 15 ठीक है। ये आपने टेढ़े टेढ़े वाले सॉल्व कर लिए, ये आ गया आपका ए और सी का, यही रेशियो निकला था ना, ठीक है। टेढ़े टेढ़े में आपने सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपका ए का और ये आ गया आपका सी का, ठीक है। अब आपको बी का निकालना है, तो बी वाले को दोनों को इंटू कर दो, 4:3 12 ये आ गया आपका ए बी सी का अनुपात, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है दोस्तों। जब भी आपको ए का निकालने को बोले ए बी सी में से, तो ये आपको इस तरीके से करना है, 2:4 अगर आपको सी निकालने का बोले तो 3:5 और अगर बी निकालने का बोले तो दोनों बी को इंटू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है ये भी मैं आपको चुटकियों में करवाऊंगा, पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कितना दिमाग लगाते हैं इसमें। चलिए बताइए, 20 सेकंड का समय आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा।
चलिए देख लें दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए पहला था कि ये एक कथन, ये पूरा एक कथन है क्या, कि ए का भाग बी के भाग का 2/3 है, यानी कि ए का भाग बी के भाग का 2/3 है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, बी को इज इक्वल टू के इधर ले आना है, तो अगर ये इनटू में है बी तो इज इक्वल टू में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। जब भी संख्या को इज इक्वल टू के उधर हो और इसको इज इक्वल टू के इधर लाते हैं तो इनटू से डिवाइड में आता है और डिवाइड्स वाला इनटू में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ए अपॉन बी और ये हो गया 2/3। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसा होता है ना, मतलब अब ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसी प्रकार से अगला सॉल्व करो, बी का भाग सी के भाग का, सॉरी बी के भाग सी के भाग का 3/4 है, तो अब आप क्या करोगे, बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू 3/4, यानी यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है और 4 सी की वैल्यू 4 है, यानी 2/3 और 3/4, राइट फ्रेंड्स, यही है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन ए और सी का मान क्या होगा, है ना, क्या पूछा गया है आपसे, ए और सी का मान क्या हो गया, और आपके सामने ये आ चुका है, ठीक है। अब 2/3 और 3/4 आपके सामने हैं, 2/3 और 3/4, यानी कि आपका ए इज टू बी और बी इज टू सी, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था अभी कि अगर ए इज टू सी निकालने का बोले और ये दोनों एक जैसे हों, तो देखो फ्रेंड्स क्या करते हैं, देख लो 2 3 6 और 4 3 12। अब अभी भी कट फ्रेंड्स, ये कट सकते हैं, 6:12 अभी भी कट सकता है, 6 1 6 6 2 12, यानी कि आपका ए इज टू सी का अनुपात क्या आ गया, 1:2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बात समझ में आ गई दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों ये, बस इसको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ्स है ये दोस्तों, है ना। चलिए, हाँ कोई नई बात बता दी सर ने कि मैथ्स है ये, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे मैथ्स को इतने हल्के में लेते हैं, ये सोचते हैं कि हम एक बार पढ़ लेंगे तो बस हो गया, फिर एग्जाम में देखेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसके लिए क्वेश्चन कॉपी में लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बताइए आपको यहाँ पर 4 अनुपात पूछ लिए आपसे, ABCD, अब बताइए अब आप क्या करेंगे, अब आप बताओ अब आप क्या करोगे, 20 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स देख लें, चलिए देख लेते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फ्रेंड्स ए इज टू बी आपको दिया है 4:5 और मैंने बोला है जो भी अगला दिया होगा उसके उसके नीचे लिखना, जैसे अब बी इज टू सी दिया है तो यहाँ पे बी क्या है 5, लेकिन यहाँ पे क्या है 6:7, मतलब इस तरीके से लिखना, ठीक है ना, अगले वाले के नीचे। फिर है सी इज टू डी, कितना है 8:9, ठीक है। फिर अगला है ए इज टू डी, है ना। अब यहाँ पे तो पहले अपने को एस टू डी भी निकालना है, यहाँ पर ए बी सी डी तीनों निकालना है ना फ्रेंड्स। तो इसको किस तरीके से निकाला जाता है मैं अब आपको समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो तब कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों, बड़ा ही आसान है, देखते जाओ। पहले तो मैंने आप लोगों से बोला है कि क्या पहला और आखिरी वाला बहुत आसान तरीके से करो, कैसे करो, टेढ़े वालों को इनटू कर दो, जो दिख रहे हैं ना ये 4 6 24 24 8 जा करके आप इसको इनटू करोगे तो ये हो जाएगा 192, कितना हो जाएगा दोस्तों ये 192, ठीक है। ये आ गया आपका पहला अनुपात, बीच वाले बी और सी को अभी छोड़ दो, बी और सी को अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ बाहर बाहर वाले। फिर ये क्या है 5 7 35, 35 9 3 15, यानी टेढ़े टेढ़े वाले कर लिए, अब हो लिए परेशान, मतलब अपन ने परेशान अब होना है, हो लिए आसान वाले कर लिए, पहले एक नंबर जो जितनी लाइन से चल रही थी उनको इंटू कर लिया, फिर इनको इंटू कर लिया, ठीक है। अब देखना जादू है ना, बहुत आसान सा जादू है। अब मैं निकालने वाला हूँ बी का रेशियो, है ना, बी का रेशियो निकालने वाला हूँ, कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान से देखो, बी की संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, 5 से,
तो 5, 6, 30 और जैसी लाइन चल रही है ना उसके आगे 6 के बाद 8 आएगा ना, 6 के बाद 8 आएगा ना, तो बिल्कुल वैसी चलो 5, 6, 30 और 38, 240। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया दोस्तों, बी का आ गया। अब आपको मालूम है मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, सी निकालने जा रहा हूँ, है ना। सी में क्या करना है आपको, 5, 7, 35 और 35, 8, 280। ठीक है दोस्तों, ये आ गए आपके ए बी सी डी के रेशियो, 192, 240, 280, 315। मेरे को मालूम है कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है बीच वाले सेशन में। अब आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे करना और कितना आसान तरीका इसको करने का। ठीक है, देखो ध्यान से बस देखते जाना दोस्तों, 4:5, 6:7, ठीक है, फिर है आपका 8:9। ये रेशियो दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा A:D और A:B:C या D निकालना हो आपको चारों रेशियो। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब तीन रेशियो दिए होते हैं तो पक्की बात है वो चौथा रेशियो पूछेगा ही पूछेगा कि A:D क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A:B:C:D पहले निकालने पड़ते हैं। तो देख लेते हैं, मैंने क्या बोला आपको, आपको निकालना क्या है, चार रेशियो। ठीक है, तो A:B:C:D जरा ध्यान से देखते जाना दोस्तों। ठीक है, अब मैं सबसे पहले निकालूंगा ए, क्या निकालूंगा ए, तो ए की मैं जरा जगह खाली कर देता हूँ। ठीक है, ए की जगह खाली कर दी, कुछ नहीं करना है, जो फोर चल रहा है ना, फोर वाली लाइन टेढ़ी, इसको इंटू कर दो, तो 4 × 6 × 8 करोगे तो यह आएगा 192। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ए का काम खत्म। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखते जाना, अब आखिरी वाला, पहला वाला हो गया, अब आखिरी वाला, आखिरी वाले में क्या करेंगे, जो पीछे की लाइन है उसको इंटू करो, 5, 7, 35, 35, 9, 315। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब क्या करो, जब भी ऐसा कन्फ्यूजन होना कि नहीं करते बन रहा है, तो अपन ने सबसे पहली वाली संख्या और सबसे आखिरी वाली संख्या निकाल ली है ना, है ना, तो अब क्या करो, ये 9 जो आखिरी वाली संख्या और पहली वाली संख्या जब निकाल ही ली है तो मिटार ही दो ना, ये पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या मिटा ही दो, आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे मैं समझाता हूँ, जब बीच की संख्या आपको निकालनी हो, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ ना। अब देखो आप क्या करोगे, देखना दोस्तों, बाबा आराम से देखना। ठीक है, ये आपके सामने बचा है बस अब। ठीक है, अब आप क्या करो, जब अब आपको क्या निकालना है, बी, तो अब बी निकालना है, तो हम बी सही से पहले वाली संख्या देखेंगे, तो ये 5, 6, 30। अब एक बार ऐसा चलो तो ये आ जाएगा आपका 5, 6, 30, 38, 240, ये आ गया आपका बी। अब एक बार इस साइड से घुमा लो, 5, 7, 35, 35, 8, 280, 280 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी 280। मतलब एक बार इधर से घुमाया तो बी, एक बार इधर से घुमाया तो सी, ये आ गया आपका फ्रेंड्स वही का वही आंसर, 192:240:280:315। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा था ए और डी का अनुपात भी पूछा है, तो ए का अनुपात है 1:92 और डी का अनुपात है 315। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, 192/3/315। अब फ्रेंड्स इसको और काटा जा सकता है। ठीक है, हाँ, 3 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 64, 3 6 18, 3 4 12, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 105, यानी आपका आंसर हो जाएगा 64:105, आपका आंसर आ जाएगा A:D का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी एक के बाद एक। अब एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आप लोगों को सीधा दिखा देखने को मिलता है कि राम और श्याम ने मिलकर 1460 रुपये जमा किए, यदि दोनों के हिस्से का अनुपात 2:3 हो तो राम ने कितनी राशि जमा की और राम एवं श्याम की राशि का अंतर बताएं। यहाँ पे फिर से दो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कि राम ने कितनी राशि जमा की और दूसरा क्या राम और श्याम की राशियों का अंतर पूछा है। तो चलो दोस्तों, पहले तो आप करके बताओ, 20 सेकंड का समय है, मैंने फॉर्मूला वार्मूले सब बता दिए थे आपको, तो फ्रेंड्स बताइए 20 सेकंड के समय में कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा कि क्या सही आंसर है। समय शुरू हो चुका है, बताइए दोस्तों।
फ्रेंड्स ये रियली 20 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम टाइम में अगर आप इसमें 20 सेकंड से ज़्यादा लगा रहे हैं, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस रत्ती भर भी नहीं की है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूँ, ज़्यादा समय रुकना नहीं है इसके लिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस के लिए रुकेंगे तो फिर बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे उसका क्या करेंगे। ठीक है, राम और श्याम ने मिलकर 1460 मिलकर कमाए हैं। ठीक है, मिलकर जमा कर लिए। ठीक है, कितने 1460। अब पहले एक क्वेश्चन निपटाएंगे, इसमें दो क्वेश्चन है। यदि दोनों के हिस्से का अनुपात 2:3 है तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि दोनों ने मिलकर 1460 रुपये जमा किए, एक के हिस्से में 2 रुपये, एक के हिस्से में 3 रुपये, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो राम ने कितनी राशि जमा की, तो पहले तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं कि ये राम का क्या है, 2x है। राम और श्याम यानी 2:3, तो राम का है 2 और ये टोटल कितना है 5। कैसे, 1460 दोनों ने मिलकर की, मतलब 2 और 3 5 है ना। 1460 कितने की वैल्यू हो गई, 5 की वैल्यू हो गई। तो यानी इनटू किसका पूछा है, राम का, यानी 2 की क्या वैल्यू होगी आपको इस तरीके से लिखना है। 1460 अगर टोटल 5 की वैल्यू है तो 2 की कितनी, इस तरीके से आपको करना होगा। अब कर लेते हैं, 5 2 10, 46, 5 9 45, फिर आपका बच्चा 5 2 10, 2 2 4, 2 9 18, 2 2 4 + 1 5, 584 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या कि भैया जो इन्होंने राशि जमा की, राम ने कितनी राशि जमा की फ्रेंड्स, 584। ठीक है, हाँ अब देखना दोस्तों अब क्या होगा, ये तो 584 आ गया। ठीक है, यानी कि राम ने 584 कमाए थे और टोटल कितना था दोस्तों, टोटल कितना था 1460। अब चाहो तो आप इसमें से राम की निकाल दो तो बचेगा कितना, श्याम का। पर इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि राम और श्याम की राशियों का अंतर क्या होगा। अब आप इसमें से निकालने बैठोगे कि इसमें से माइनस करोगे, फिर श्याम की निकालोगे, फिर श्याम और राम की माइनस करोगे, तो पता चलेगा कि आंसर क्या आएगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में आंसर क्या होगा ये तो समझ में आ गया कि राम की राशि क्या हो जाएगी, 584। ठीक है, अब आप देखो इसका कोई लेना देना ही नहीं है 584 का, इस अगले वाले क्वेश्चन में जो इन दोनों की राशियों का अंतर पूछा है। ठीक है, 1460 कितने की वैल्यू थी, 5 की वैल्यू थी, राइट, 5 की वैल्यू थी ना। ठीक है, टोटल 5 की वैल्यू ना दोनों ने मिलकर जमा किया ना। ठीक है, उन्होंने बोला था इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 3 - 2 1। ठीक है, 3 - 2 1, यानी कि अगर 1460 5 की वैल्यू है तो एक का कितना होगा, तो जब अपन इसको इंटू किया था तो आया था 292, तो 292 1 2 92, यानी कि इन दोनों की सैलरी का अंतर, जमा किए हुए पैसों का अंतर कितना है, 292। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, और लगातार प्रैक्टिस करने पर आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि x और y के धन का अनुपात 3:4 है और x का धन 21 है तो कुल धन बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा, कुल धन पूछा है दोस्तों, कुल है ना, चलिए बताइए क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय है, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको, बहुत आसान है दोस्तों, है ना, इजी क्वेश्चन है, करके बताइए। चलिए देख ले फ्रेंड्स, देख लेते हैं, बहुत इजी है। आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि x और y के धन का अनुपात 3:4 है, यानी कि हमने लिख लिया भैया x और y कितना हो गया, 3:4, यानी x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 4, है ना, और ये इन दोनों को टोटल कर दे तो कितना हो जाएगा, 7, 4 और 3 7 होता है ना, है ना। ठीक है, अब आपसे बोला था कि क्या, कि x का कुल धन कितना है, 21 है, 21 कितने की वैल्यू है फ्रेंड्स, x की है ना, तो x की कितनी वैल्यू, 3, यानी 21 कितने की वैल्यू हो गई, 3 की। अब आपसे पूछा था टोटल कुल कितना है, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 3 1 3 7 21 7 7 49 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
बात समझ में आ गई। आसान सा सवाल है, आपसे बोला था कि x और y का जो अनुपात है वो 3:4 है, लेकिन x का जो रुपए है वो है 21, यानी कि 21 रुपए कितने की वैल्यू है फ्रेंड्स, x की वैल्यू है ना, मतलब 3 की, यानी 21 3 की वैल्यू है। तो आपसे बोला था टोटल यानी 4 और 3 7 की कितनी वैल्यू हो गई, तो 21 अगर 3 की वैल्यू है तो 7 की कितनी, इस तरीके से बोलकर लिखना शुरू कीजिए दोस्तों, आपको आंसर आने शुरू हो जाएंगे। तो 3 1 3 7 21 और 7 7 49, यानी टोटल वैल्यू हो गई दोस्तों 49। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे एक के बाद एक, और आपने वीडियो को आखिरी तक देखा है फ्रेंड्स, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको लगता है कि कंटेंट उन तक भी पहुंचना चाहिए, और कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताइए कि फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, इसके कंटेंट कैसे लगे, ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए जल्द से जल्द बना सकें। फ्रेंड्स इसके अलावा अभी तक जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फ्रेंड्स वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सीधे आपके मोबाइल पर जानकारी मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में और भी ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ जो सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।